नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेश लोनी और आज मैं दोबारा आप सभी के सामने एक नई YouTube वीडियो लेकर आया हूँ। आज वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल फोन में माउस का जो कर्सर है वो कैसे कनेक्ट करा सकते हो। कई बार आपको उसको कनेक्ट कराते टाइम कहीं प्रॉब्लम आती है या आप कोई OGT केबल अपने फोन में लगाते हो तो आपको वो कनेक्ट नहीं होती फोन से, तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो चलते हैं मेरे फोन पे जहाँ पे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे कैसे आपको ये कनेक्ट कराना है। जैसे ही यहाँ पे अभी माउस घूम रहा है फोन के अंदर, ऐसे ही आपको अगर कनेक्ट करना है तो वो कैसे कनेक्ट होगा। तो चलिए मेरे फोन पे चलते हैं। अभी मेरे पास दो फोन है, एक तो वीवो जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और एक दूसरा MI का। तो अभी मैं आपको दोनों फोन से कनेक्ट करा के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको प्रोसेस करनी है और कैसे कैसे कनेक्ट होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मेरे पास ये सारी चीजें हैं, फोन, ये मेरा माउस, ये माउस का कनेक्टर और ये OGT जो हमें कनेक्ट करानी है। अभी पहले मैं माउस के अंदर सेल डालता हूँ, वो डला हुआ है दूसरा सेल, और ये OGT जो है हम फोन से कनेक्ट कराएंगे और इसके अंदर ये माउस का जो है कनेक्टर ये USB का कनेक्ट कराएंगे। तो अभी ये मेरा फोन है, इसको मैं ऑन करता हूँ। देखो सबसे पहले मैं अपने फोन में ये कनेक्ट करा रहा हूँ तो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं इसके अंदर अपनी OGT भी लगा देता हूँ लेकिन इसके अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ये काम नहीं कर रहा है माउस अभी। तो अभी देखो आप, कोई कहीं पे भी आपको इसके स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी माउस नहीं शो हो रहा होगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमारा ये माउस क्यों नहीं शो हो रहा कि हमारा जो OGT है वो इसके अंदर कनेक्ट नहीं है, ऑन नहीं होगा या फिर कनेक्टेड नहीं होगा। तो अभी हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद हमें यहाँ पे जाना कनेक्शंस पे। वीवो फोन के अंदर कनेक्शंस पे जाने के बाद ये सबसे नीचे लिखा हुआ OGT और OGT के सामने लिखा है ऊप, तो हम इसको ऑन कर देंगे और हमारा काम खत्म। अब देखो ये आ गया यहाँ पे शिफ्ट एंटर स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। तो अभी ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे माउस नीचे हो रहा है ना, एक क्लिक करते ही हमारा माउस आ गया इस पे। अब हम इस माउस से इस फोन को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमें अगर कुछ काम करना है तो हम यहाँ से, जैसे हमें बैक जाना है या हमें और भी कुछ काम करना है तो हम इसको माउस से यूज कर सकते हैं हम। और जब भी हमें ये बंद करना हो तो हमें सेटिंग के अंदर जाना है, कनेक्शंस में जाके OGT को ऑफ कर देना है। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो दिखाई देना बंद हो जाएगा, और जब आप कोई OGT कनेक्ट कराते हो तो भी आपको ये ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। अब हमारे पास है हमारा MI वाला फोन, OGT और ये हमारा माउस का कनेक्टर। तो अभी हम इसमें कनेक्ट करा के देखेंगे कि इसमें भी सॉफ्टवेयर से ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है डायरेक्ट, क्योंकि MI में ये चीज़ें ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी हम इसमें कनेक्ट करके देखते हैं एक बार क्या ऑप्शन आता है। ये इसमें आवाज़ आई, ये कनेक्ट हो गया। ये देखो इसके अंदर ये माउस जो है अभी शो हो रहा है। अभी हम इससे इसकी कोई भी ऐप ओपन कर सकते हैं, जैसे अगर हमें कैमरा ओपन करना है तो हम यहाँ से कैमरा ओपन करके यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों मोबाइल फोन को यूज करने का तरीका है। फिर भी अगर आपके फोन में कनेक्ट नहीं हो रहा तो आपको सेटिंग के अंदर जाना है और ये एक्सेसिबिलिटी के अंदर ये ऑप्शंस आएंगे। और अगर आपका डेवलपर ऑप्शन ओपन नहीं है तो आपको सिर्फ डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है और वो यहाँ पे जाके आप अपने MIUI वर्जन इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेरा लिखा आ रहा है कि यू आर ऑलरेडी ए डेवलपर। अगर आप नहीं हो तो आपको इसके ऊपर 3-4 बार क्लिक करना है, उसके बाद आप डेवलपर बन जाओगे, उसके बाद ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अब समझ आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो भी आप देख पाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।